हेलो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। धन्यवाद। दोस्तों, यह ज़्यादा पुरानी कहानी नहीं है। एक दिन एक लड़का जो कि एक कंपनी में काम किया करता था, उसे किसी भी भूत प्रेत पर कोई विश्वास नहीं था। वह भूत प्रेत को बस दिमाग का भ्रम मानता था। एक दिन उसे उसकी कंपनी में कुछ काम बढ़ गया, जिसके कारण उसे घर जाने में देर हो गई। वह अपने ऑफिस से देर रात को निकला। वह अपने बाइक से था। कुछ देर चलने के बाद उसकी बाइक खराब हो गई। वह अपनी बाइक को पैदल लेकर ही चल दिया। कुछ दूर के बाद एक बस स्टॉप दिखाई दिया। वह वहाँ कुछ देर रुक गया। उसके पास एक साधु आकर बैठ गया। साधु अपने पास एक बीड़ी रखा हुआ था और वह अजीब तरीके से उसे पी रहा था। उस लड़के की एक आदत थी कि वह किसी से भी बात करना शुरू कर देता था। वह उस साधु से भी बात करने लगा। बात ही बात इस लड़के ने कहा, बाबा मैं किसी भी भूत प्रेत को नहीं मानता हूँ, बस सब झूठी बातें हैं। साधु ने कहा, तुम भले ही भूत प्रेत को मानो या फिर ना मानो, लेकिन तुम्हें यह ना कहो कि भूत प्रेत नहीं होते, यह सब होते हैं। इस पर उस लड़के को थोड़ी सी हंसी आ गई। उसने कहा, भूत होते हैं तो क्यों हमें दिखाई नहीं देते? क्या आप मुझे अभी कोई भूत दिखा सकते हैं? साधु को लगा कि अब इसे ज़रूर भूत ही दिखाना होगा। साधु ने लड़के को शमशान घाट की ओर चलने को कहा। फिर क्या था, वह दोनों चल दिए। रास्ते में उस लड़के को थोड़ा डर लगने लगा, फिर भी वह अपने डर को कम करके आगे बढ़ते जा रहा था। कुछ देर के बाद वह शमशान घाट पहुंच गए। शमशान घाट में अभी कुछ लाशें जल रही थी। साधु ने उसको एक ऐसे स्थान पर बिठाया जहां कुछ समय पहले ही लाश जली थी। साधु ने जमीन पर एक लोहे की कील गाड़ दी, उसमें एक सफेद धागा बांध दिया। उस धागे का अंतिम डोर उस लड़के को पकड़ने कहा। अब उस लड़के को हद से ज़्यादा डर लग रहा था। उसकी सांसें तेज हो रही थी। इसके साथ ही उसके हाथ पैर भी कांप रहे थे। फिर भी उसने धागे को पकड़ लिया। साधु ने कुछ बतासा चारों जगह पर रख दिया। सारे बतासे उस धागे के पास ही एक लाइन में रखे हुए थे। उसके बाद साधु ने लड़के को सावधान किया, अभी कुछ आत्मा इसको खाने को आएगी, जब तक वह उससे खाकर चली ना जाए तब तक तुम अपने हाथों से धागे को मत छोड़ना, यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें नुकसान हो सकता है। फिर साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ मंत्र पढ़ने के बाद साधु ने उस लड़के को आंख बंद करने को कहा। फिर कुछ देर बाद ही आंख खोलने को कहा। जब उस लड़के ने आंख खोलकर देखा तो वह जो देख रहा था उसे उसके ऊपर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वास्तव में वहाँ चार आत्मा थी जो कि बतासे खा रही थी। लेकिन जब उसने यह देखा कि उसके पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति की आत्मा भी वहाँ है जो कि कुछ दिन पहले ही मर गए थे, तो उसके हाथ से धागा छूट गया। अब वह वहाँ पर साधु भी नहीं था। वह लड़का तेज़ी से शमशान घाट से अपने घर की ओर भागने लगा। जब वह अपने घर की ओर जा रहा था तो उसके पीछे से कोई उसका नाम लेकर बुला रहा था। उसको पीछे से कई तरह की आवाज़ आ रही थी। उस लड़के ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने घर के जाने के बाद उसने यह सब कुछ अपने माता पिता से बताया। फिर वह अपने कमरे में सो गया। अगले ही दिन उसकी आंखें उसी शमशान घाट में खुली और उसी स्थान पर जहां पर उस आत्मा को देखा हुआ था। उसके बाद से ही उसके दिमागी तौर पर बीमार होने लगा।